यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये हमें ट्रू और फॉल्स देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट मतलब NH4 ट्वाइस और कार्बोनेट मतलब CO3। फॉर्मूला ये से बना भी सकते हैं और ये आना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन जो वो बेसिक होता है ऐसे लिखा है, अमोनियम कार्बोनेट बेसिक सब्सटेंस होता है, ये याद होना चाहिए। ये थ्योरी है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करके या बता नहीं सकते ऐसे, तो ये याद होना चाहिए कि ये बेसिक सब्सटेंस होता है। ये ट्रू है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखेंगे, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड्स ऑन KN KB। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ते हैं। वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, इसका जो सॉल्ट होता है इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच होता है 7.5 × pKa − pKb। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इसे फॉर्मूला होता है, इस तरह से हमें पीएच मिलता है सॉल्ट सॉल्यूशन का, अगर इसका सॉल्ट है तो। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? Ka और Kb पे डिपेंड तो कर रहा है, तो ये करेक्ट है। Ka Kb का वैल्यू हमें पता है तभी हम कुछ बता सकते हैं, इसलिए तो हम इसका ऐसे बता नहीं पाएंगे देख के। इसमें तो क्या है, थ्योरी है, याद होना चाहिए, ये बेसिक होता है, ये ट्रू है। और ये दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।